हमारे मन की बात 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 सुपर इट्स 93.5 रेड एफएम पर वेरी गुड इवनिंग डीएल 935 पैंकी और आशीष के साथ आप सुन रहे हैं शाम का टाइम डीएल 935 में आपका स्वागत है। हमारे साथ स्टूडियो में आज रश्मि जी आई है। पहले बताइए परफ्यूम कौन सा लगाया है? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। खर्चा करती हैं आप, खर्चे में कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर परफ्यूम की नहीं, मन की बात हो रही है। और हमने 41935935 पर बोला था, देखिए वैसे तो मन की बात 25 तारीख तक आई थिंक सवाल लेने थे, आपके भी सवाल गए, हमारे भी सवाल गए। अब सवाल जवाब तो नहीं देंगे, पर आप हमें तो बताइए आपके मन की बात क्या है। पूरी दिल्ली कॉल कर रही है लगातार हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, कौन है, अपने सवाल बताइए। हाय, मेरा नाम शालिनी है और मैं बजाईबाग से बोल रही हूँ। मेरा सवाल तो ये है कि जैसा ये स्वच्छ भारत अभियान की बात होती है तो रोड को हम साफ कर लेंगे पूरे भारत देश में, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है करप्शन का, तो उसकी सफाई कैसे हो, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बात है, आपने अपना नाम क्या बताया? शालिनी। शालिनी आप IIT वगैरह कहाँ पे पढ़ रही हैं आजकल? नहीं मैं पढ़ नहीं रही, मैं बैंकर हूँ। बैंकर है तभी 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 करप्शन की चिंता, आपके पास तो क्लियर पिक्चर होगी। नहीं 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 बस। अच्छा बाय द वे स्विस बैंकर हैं तो थोड़े से नाम बता दीजिए। मरवाए गया। और ये करप्शन का सवाल किससे है? करप्शन का सवाल आप किससे पूछना चाह रही हैं, ओबामा जी से या फिर मोदी जी से? मेरा सवाल तो मोदी जी से है, क्योंकि उन्होंने सबके हाथ में झाड़ू दे दिया है। हम लोग भी छुट्टी वाले दिन झाड़ू लेके खड़े हो जाते हैं ऑफिस के बाहर, जो हम लोगों को बोला जाता है। लेकिन देखिए इलेक्शन का माहौल है इस टाइम, झाड़ू तो और भी कईयों के हाथ में है। राइट तो थैंक ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही इंटेलिजेंट सवाल था। हमारे शो पे उम्मीद नहीं होती ऐसे सवाल की, क्योंकि हम यहाँ पे बैंड बजाते हैं, हमारे यहाँ बहुआ होता है, लेकिन हम आपके सवाल का जरूर जवाब देंगे। सोच रहे हैं कि अगर ये सवाल मोदी जी से पूछा गया तो मोदी जी इसका क्या जवाब दे सकते हैं, फिर अगर ओबामा से ये सवाल पूछा जाता तो ओबामा जी इसका क्या जवाब देते, तो अगर ओबामा के सामने ये सवाल आता तो जवाब क्या होता? अच्छा तो बेसिकली अभी हम ये गेम खेल रहे हैं कि हमें ओबामा जी की तरह सोचना है। हाँ हाँ, फर्ज करो कि तुम ओबामा हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओबामा। कैन आई गेट सम ब्लैक कॉफी? ऑफ कोर्स यस थैंक्स मिस्टर ओम। पर मैं हिंदी में बोलूंगा। अब अगर मैं फर्ज कर रहा हूँ ओबामा हूँ तो मैं हिंदी में बात करने की कोशिश करूंगा। मोहतरमा ने क्या सवाल पूछा था? पूछा था ये कि भ्रष्टाचार को कैसे साफ किया सकता है, गंदगी तो झाड़ू से साफ हो जाएगा, राइट राइट, भ्रष्टाचार को किस चीज से साफ किया जा सकता है? आई थिंक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, सवाल उन्होंने आपसे किया था मोदी जी, आप मेरे ऊपर क्यों फेंक रहे हैं? बताइए मोदी जी। मोदी जी का सीधा जवाब ये होता कि देखिए भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार नहीं, भाई और बहनों नहीं, मित्रों मित्रों करेक्टिंग माइसेल्फ, मित्रों भ्रष्टाचार की सफाई तो मुमकिन नहीं। भ्रष्टाचार की सफाई इसलिए मुमकिन नहीं कि साफ सफाई या गंदगी को तो झाड़ू से झाड़ा जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार को झाड़ने वाली झाड़ू अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। ये थोड़ा पॉलिटिकली हो रहा है, लेकिन रेड एफएम पर अगला कॉलर लेंगे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। अब कौन है, नाम के साथ अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, प्रियम बात कर रहा हूँ पटपड़गंज से। नमस्कार बताइए। मेरा सवाल ओबामा जी से है जी। और वो ये कि जब वो यहाँ पे आए हैं तो उनके आने से पहले जितनी तैयारी करी गई है शायद उतनी बारात में दूल्हे के लिए भी करी जाती, मतलब जिस तरीके का उनके लिए और कितनी तैयारी करने के बावजूद उनके लिए जो वहां से गाड़ियां लाई गई हैं और जो सिक्योरिटी उन्होंने अपनी अरेंज की है, तो मेरा सवाल उनसे ये है कि क्या वो भारत की सिक्योरिटी पे यकीन नहीं रखते, या फिर वो अपने आप को इतना खुद सक्षम मानते हैं कि अपनी जहां जाते हैं अपनी सिक्योरिटी अपने साथ लेके चलते हैं? ओके थैंक्स वेरी मच। आपका नाम? मेरा नाम प्रियम। All right, Priyam, thank you for calling. दो रुपए लगे आपके कॉल के, थैंक्स, मैं जवाब देता हूँ। Okay. अच्छा इनका सवाल है ये, तो I'll be very honest, मैं अपने हिसाब से जवाब बताता हूँ। देखिए ये बात तो तय है कि मुझे आपकी कंट्री की सिक्योरिटी पे थोड़ा डाउट तो है, इसलिए मैं अपनी सेफ्टी लेके आना चाहता हूँ, राइट, पूरी चीज़ लेके आना चाहता हूँ, अपनी स्टाइल की गाड़ी अपने तरीके से, आप उसमें कुछ भी कर लीजिए, मेरी पूरी सिक्योरिटी है, मैं इसमें निकल के उस पार निकल जाऊँगा 2 किलोमीटर मोतीबाग के फ्लाईओवर से नीचे गायब होकर, कुछ भी कर सकता हूँ, हम बहुत नेक्स्ट लेवल पर सोचते हैं, ये बात तो तय है। उसके अलावा एक चीज़ का नुकसान मुझे लग रहा है आपके यहाँ पर आने के बाद, मुझे अपने ये डॉगी नहीं लाने चाहिए थे, क्योंकि जब सेरेमनी हो रही थी तो आपके यहाँ के डॉगी इतने उत्सुक हैं वो खुद ही भाग के आ गए थे,
तो मेरे डॉगी पे डेफिनेटली काफी खर्चा मतलब पैसा गया है। मेरे साथ मेरे जो साथी आए हैं ओम बताना चाहेंगे। ओम, ये डॉगी वाली बात पे तुम काफी करना चाहोगे? डॉगी वाली बात सर ये है कि हम तो बाहर से ऑलमोस्ट 50 कुत्तों की एक टीम लेके डेफिनेटली यस। लेकिन इनफैक्ट मैं बता दूं कैमरा मैं एक बात बता दूं, इनफैक्ट दो डॉगी जो मेरे हैं उनमें से एक डॉगी पे तो मैं इतना खर्चा करता हूं, इतना उसका मतलब डाइटिंग है जितना ओम साल भर में नहीं खाता है। बिल्कुल। इसमें ओम कैसा फील करेंगे ओम बताएंगे, कितना छोटा फील कर रहे हैं? नहीं बट जायज सवाल है, इतने बड़े प्रेसिडेंट हैं, इतने बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट हैं और बहुत बड़े शक्ति पावर हैं उनके पास, तो ऑब्वियसली वो इतने लाइटली नहीं आएंगे, अपना बेस्ट पॉसिबल तैयारी करके आएंगे। एंड हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर हमारे यहाँ से हर दो महीने में एक महीने में उनके यहाँ न्यूज जाती रहेंगी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उनको छोड़िए, मैं तो कहता हूँ युगांडा के प्रेसिडेंट भी आएंगे तो वो अपनी सिक्योरिटी लेके आएंगे। नेक्स्ट टाइम से मुझे ऐसा लगता है इस बार उन्होंने भारत की सिक्योरिटी भी देख ली, भारत की मेहमानवाजी भी देख ली। मुझे लगता है अगली बार जब वो 5 स्टार में आएंगे तो अपने घर से थाली लेकर नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। थाली लेकर आए थे? कहने का मतलब तो यही हो गया ना कि आप यहाँ पे आए तो सिक्योरिटी का इंतजाम करके आ रहे हो, गाड़ी अपनी लेकर आ रहे हो, तो बात तो वही हो गई ना। तो इस बार हमारी एक बार ताली हो जाए अपनी परफॉर्मेंस के लिए, अपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए, उन जवानों के लिए, उन जवानों के लिए जिन्होंने ठंड में खड़े होके हर रेड लाइट पे कोशिश की कि सब कुछ ठीक ठाक रहे और फाइनली सब कुछ ठीक ठाक हुआ है। हर उस जवान को, हर उस सैनिक को हमारा सल्यूट है। यहाँ एसी में बैठ के बोलना तो बहुत आसान है पर आप लोगों ने वो कर दिखाया। इनफैक्ट पूरी सेरेमनी में इतनी ठंड, ऊपर से बारिश, इंद्र देवता ने तो पूरी कोशिश की थी कि कुछ हो जाए पर हमारे जवान टिके रहे, सब कुछ ठीक ठाक, हमने एकदम अच्छे से परफॉर्मेंस दी है। सो आई थिंक यू आर राइट। सबसे बड़ी बात है कि कहीं पे भी ओबामा इस तरीके से खुले में 2 घंटे तो नहीं बैठे होंगे, लेकिन ये भारत के अंदर की सेरेमनी थी जब वो 2 घंटे लगातार खुले आसमान के नीचे वो भी बारिश में बैठे रहे। आई थिंक यू आर राइट। अगली बार आने से पहले वो इस चीज का ध्यान देंगे कि इतना भी हल्के में नहीं आंकते हैं भाई, इंडिया है, हिंदुस्तान है, ठीक है ना। लेकिन पांडे जी, पांडे जी को थोड़ी देर में फोन लगाएंगे। पांडे जी वो हैं जो कि नॉर्थ एवेन्यू पे बैठने एक पान वाले हैं और इनका पान पूरे राष्ट्रपति भवन में जो भी कोई गेस्ट आता है उसको खिलाया जाता है और इस बार हमने सुना है कि ये पान मुझे और मेरी धर्मपत्नी तक भी पहुंचाया गया था, कैसा स्वाद था और कैसा लगा सब बताएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन वो भी मन की बात के जरिए पूछा जाएगा पांडे जी से कि क्या उन्होंने भी कोई सवाल पूछा, क्योंकि वो एक व्यक्ति है जो सीधे आम आदमी होकर भी सीधे राष्ट्रपति भवन में गए थे। स्टूडियो में हमारे साथ होंगे, पांडे जी को फोन लगाएंगे थोड़ी देर में। 93.5 रेड एफएम सारा समय के साथ बजाते रहो हमारे मन की बात, 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 मन की बात।